जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो और मैं भी ठीक हूँ। मैं अपनी पहली रेसिपी की शुरुआत कुछ मीठे से शुरू करती हूँ। आज नए साल की पहली एकादशी भी है, जिसमें मेरे हस्बैंड फास्ट रखते हैं, तो उसमें मैं गाजर का हलवा बनाकर दिखाऊंगी, आप सबके साथ शेयर भी करूँगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा। उसके लिए ये हमने गाजर लिया है, इसको ग्रेटेड करके अच्छे से साफ़ कर लिया, और ये 2 टेबल स्पून घी, चीनी, और अब स्टार्ट करते हैं बनाना। तो फ्रेंड्स, हमने गैस को स्टार्ट कर दिया है। इसमें डालेंगे 2 चम्मच घी, इसको मेल्ट होने देंगे हल्का सा गर्म। तो फ्रेंड्स, इसमें डालते हैं अब गाजर। गाजर को सौते करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसको थोड़ी देर के लिए सौते करेंगे, ये हल्का सा अपना कलर भी छोड़ देगा, और इसको सौते करने के बाद थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। तो फ्रेंड्स, का देखो कलर भी निकलने लगा है, और इसका पानी भी थोड़ा सोख हो जाएगा जो भी होगा इसमें। इसको ऐसा होने के बाद अब इसको ढक देंगे थोड़ी देर के लिए। तो फ्रेंड्स, हमने ये काजू और बादाम लिया है, इसको भी हल्का सा चॉप कर लेते हैं इसमें डालने के लिए। तो इसको हम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे इस तरह से। फ्रेंड्स, हमने इसको चॉप कर लिया है। अब इसको थोड़ा बड़ा बड़ा ही रखेंगे, इससे करने से ना इसका जो मुंह में फ्लेवर आता है और जो वाइट्स मुंह में आते हैं वो खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमारा हलवा कैसा है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका कलर काफ़ी अच्छे से निकल के आया है। अब इसमें हम अपना इंग्रेडिएंट्स और जो भी हैं वो सब डाल देते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे, इसको धीमी आंच में ही पकाना है फ्रेंड्स। इसके लिए हमने 1 गिलास दूध लिया है, उसमें जितना भी आपके पास जैसा भी डालना चाहे उस हिसाब से, अपनी क्वांटिटी के हिसाब से आप इसमें दूध ऐड करें। अब इसको अच्छे से चला देंगे। केवल 1 मिनट के लिए गैस फ्लेम को हाई पर रखेंगे। तो जब हम इसमें दूध ऐड करेंगे, उसके साथ ही हम इसमें चीनी भी ऐड कर देंगे। क्या है, चीनी काफ़ी पानी छोड़ता है, इसको चीनी इसी समय डालना है इसलिए। फ्रेंड्स, थोड़ा बोलने में आवाज़ अभी थोड़ा डिस्टर्ब भी हो रहा होगा, बट कोई नहीं, आगे वाली वीडियो में थोड़ा क्लियर आएगा। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमने ये चीनी लिया है, और अपने अकॉर्डिंग चीनी डाल देंगे। इसमें मैं चीनी थोड़ा कम ही डालूंगी, 1 स्पून 2 3 4, बस थोड़ा सा 4 स्पून इसमें चीनी ऐड करेंगे। अब इसको अच्छे से चला देंगे। ध्यान रहे कि गैस का फ्लेम अभी थोड़ा तेज ही रहे। तो फ्रेंड्स, इसमें वो चीनी और दूध ऐड कर दिया है। अब इसको हम फिर से स्लो फ्लेम करके इसको ढक देंगे और 2 मिनट के लिए पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, 2 मिनट धीमे आंच में स्लो आंच में पकाने के बाद हम इसको तेज फ्लेम में थोड़ा सा पानी को सोख कर लें, क्योंकि हमारी गाजर जो है वो अच्छे से पक चुकी है। वो थोड़ा सा और रहा है तो पानी सोखने तक वो पक जाएगी। और जब तक, इसके साथ ही हम इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर या इलायची डाल देते हैं। मेरे पास ये इलायची के दाने हैं तो मैं इसमें डाल दूँगी। और इसके साथ ही हम इसमें ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो ऐड कर देंगे। थोड़ा सा आप डेकोरेशन के लिए भी रख सकते हैं। अब इसको मिक्स कर देंगे।
ड्राई फ्रूट्स को डालते हैं ना, तो इसमें थोड़ा सा वो भी स्टीम कर जाएगा तो अच्छा टेस्ट लगेगा, एकदम से टाइट टाइट नहीं लगेगा खाने पर। इस तरह से तो हमारा हलवा ऑलमोस्ट रेडी है। अगर फ्रेंड्स आपका कलर थोड़ा इसमें से डाउन लगता है तो आप इसमें फूड कलर का यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं इसमें थोड़ा सा ये डाल देती हूँ, मैंने इतना चुटकी भर लेना है, ज़्यादा नहीं, तो इसमें ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स फिर इसको मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा थोड़ा कलर दिख रहा होगा आपको, बिल्कुल थोड़ा सा ऐड करना है वरना आपका ज़्यादा ही रेड रेड कलर दिखेगा। हलवा ऑलमोस्ट रेडी है, इसकी प्लेटिंग करते हैं, प्लेटिंग भी आपको दिखाते हैं। इसमें थोड़ा सा डेकोरेशन कर देते हैं, ऊपर से काजू और बादाम डाल देते हैं। तो आप सबको कैसा लगा ये हलवा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और ट्राई भी करना इस तरीके से बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये सब पसंद आता है, गाजर का हलवा पसंद आता है, तो इसको लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना, और भी आगे के नेक्स्ट ब्लॉग में आपको काफ़ी अच्छी अच्छी सी रेसिपी देखने को मिलेगी। तो थैंक यू।